रोजगार में सहकार, समाजवादी सरकार ने एक नई पहल करते हुए लखनऊ के लोहिया पार्क में निजी स्वामित्व वाले रिक्शा चालकों से उनका रिक्शा लेकर नया बैटरी चालित रिक्शों का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 100 गरीब रिक्शा चालकों को ई रिक्शा प्रदान किया। उनकी योजना 27,000 पंजीकृत रिक्शा चालकों को ई रिक्शा देने की है, जिसे 3 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। आज से शुरुआत हुई है, उन तमाम गरीबों को रिक्शा मिलने का काम शुरू होगा और इसी तरीके से लगातार जो सरकार का समय बचा है उसमें बढ़ते रहेंगे। संख्या भी बहुत है और ठीक ही कहा जाए आजम का सामने कि जैसे जैसे बनते आएंगे वैसे वैसे हम लोग बांटते जाएंगे और आसपास के प्रदेश जिनमें सरकारें चल रही हैं आप देख लो क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीबों के, किसानों को, गांव में रहने वाले लोगों को अगर किसी ने मदद पहुंचाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने समाजवादी योजनाओं से पहुंचाने का काम किया। साथियों, ये जरूरी नहीं कि जिनको लाभ मिल रहा है वो आपके साथ जुड़ जाएं, जो लाभ पा रहे हैं वो आपके साथ चल रहे। हम अपने कार्यकर्ता साथियों का आह्वान करूंगा जिन योजनाओं को हमने पहुंचाया है अगर उन लोगों को लाभ पहुंचा है, अगर आप और हम मिलकर के उनको जोड़ने में कामयाब हो गए तो आने वाले समय में भी समाजवादियों को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस मौके पर जहां बहुत बड़ा फैसला हुआ है गरीब के लिए, रिक्शा चलाने वाले के लिए, क्योंकि रिक्शा चलाने वाले लोग गरीब हैं, वो शहर में रहते हैं, शहर के भी हैं और तमाम गरीब अपने गांवों से आकर के शहर में रिक्शा चलाने का काम करते हैं, वो मालिक बनेंगे, उनका एक लेवल ऊपर हो रहा, उनकी तरक्की का रास्ता खुल रहा है, मुफ्त में दे रहे हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर चीजें मुफ्त लोगों में दे रही, बांट रही हो। एक एक योजना जो सरकार का खजाने का पैसा था वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रही। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री आजम खां को बधाई देते हुए कहा है कि आपने लोहिया का सपना पूरा कर दिया है, अब आदमी आदमी को नहीं खींचेगा। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसे उन्हें फिर बधाई देते हैं आजम साहब को कि अचानक इतना अच्छा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कैसे आपके जीवन। रिक्शा जो आप चालक हैं, बैटरी चालक या किसी तरह से वो रिक्शा चलाने वाले शरीर पे मेहनत नहीं पड़ी, इसलिए मैं विशेष बधाई देते हैं कि लोहिया जी का सपना साकार किया आजम साहब। रिक्शा वालों का 72 महीने सुनाया लोहिया जी का कि विचित्र देश ये है जहाँ पर आदमी पर सवारी की जाती है, मतलब था रिक्शा में बैठते हैं आदमी खींचता है आदमी बैठता है। कब वो दिन आएगा क्या हिंदुस्तान अकेला है जहाँ पर आदमी की सवारी की जाती है, उस आदमी की सवारी को कब खत्म किया जाएगा। इसलिए आज हमें याद आ रही कभी कि आजम साहब आपने लोहिया जी का वो सपना पूरा कर दिया। ये शुरुआत है, अभी तो 100 हैं जो उनके इरादा है, मेरी बातचीत हुई है कुछ वर्षों में जल्दी से जल्दी 27,000 जो भी कुछ हैं सबको दे दिया जाएगा। यही जो आपको बैटरी वाला कहिए चाहे मशीन वाला कहिए रिक्शा खड़ा है, ये सभी रिक्शा दे दिए जाएंगे, अभी तो 100 की शुरुआत की है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा है कि आप अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, समाजवादी सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। लेकिन आपके तो स्वीकार करते हुए पढ़ता हूं कितने लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर सम्मेलन करके और कहा कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सरकार है और ये काम किसानों के लिए किया, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, सब वर्गों को, माइनॉरिटी के लिए ये सारे काम किए हैं। कितने लोगों ने बताई जनता के बीच, याद रखना, इससे मत खुश होना कि हमने अच्छे काम किए, जनता जाने, लोग जाने कि अच्छे काम हो रहे हैं, तब आपका प्रभाव होगा, तब पार्टी का प्रभाव होगा। केवल चुनाव की बात रही, चुनाव तो आ ही गया है, चुनाव समय पर हो ही जाएगा, चुनाव के दिन भी अब नहीं ज्यादा, अब तो चुनाव ही चुनाव है, अभी आपकी बात सुन ली जाएगी जनता के बीच, बाद में जनता कहेगी तो चुनाव में जैसे बोल रहे हैं,
अभी है समय है 2-3 महीना, इन 2-3 महीना में सरकार ने जो काम किए हैं वो देश में किसी सरकार ने नहीं किए, राज्य सरकार ने, वो आपको बताना चाहिए। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार ने जो भी वादा चुनाव के समय किया था उसे पूरा कर लिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जब आदमी आदमी को ढोता था तब उनके मन में बड़ी पीड़ा होती थी, तो सपने को आज नगर विकास मंत्री जी ने पूरा किया है और रिक्शा चालक को आज मालिक बनाने का जो काम किया है इसके लिए हम नगर विकास मंत्री आजम खान साहब को बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अखिलेश यादव के जो नेतृत्व में जो सरकार बनी है 3 साल के अंदर, आज जो चुनाव से पहले जो घोषणा किए थे आज सारे के सारे वादे पूरे कर दिए हैं।